राजस्थान चुनाव में पल पल बदलते चुनावी समीकरणों की वजह से सट्टे बाजार के आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव प्रचार से पहले इन आंकड़ों में बीजेपी बिल्कुल बेदम नजर आ रही थी, तो वहीं पीएम मोदी की एंट्री के बाद पार्टी में एक नई जान आ गई है, जिसकी गवाही सट्टे बाजार के ताजा आंकड़े दे रहे हैं। क्या है सट्टे बाजार के ताजा आंकड़े, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। कहते हैं राजनीति में पल पल चीजें बदलती रहती हैं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, सारी की सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान चुनाव में, जहां इस बार कांग्रेस पार्टी को फेवरेट बताया जा रहा था। तमाम सर्वे के बाद सट्टा बाजार में भी कांग्रेस का काफी जोर था, लेकिन जैसे ही प्रचार में पीएम मोदी की एंट्री हुई, तमाम समीकरण बदल गए, जिसके बाद आए सट्टा बाजार के आंकड़ों ने अब तक निराश बैठी बीजेपी में एक नई जान फूंक दी है। आपको बता दें कि नामांकन से पहले तक सट्टे बाजार में कांग्रेस पूरी तरह से छाई हुई थी, जिसे इस बार 125 से 150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। दूसरी ओर बीजेपी की खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खाते में 45 से 50 सीटें आने का अनुमान जताया था, लेकिन जैसे ही प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली, बीजेपी के अच्छे दिन शुरू हो गए, जिसकी तस्दीक सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े दे रहे हैं, जिसके मुताबिक कांग्रेस को अब तक 105 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की सीट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जहां उसे 65 से 70 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके वोटिंग के दिन तक बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस चुनाव में धुआंधार 10 रैलियां की हैं, जिसके बाद राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि पीएम मोदी की रैलियों के बाद ही सट्टेबाजी के आंकड़ों में ये बदलाव नजर आया है, जिसने अभी तक सुस्त पड़ी बीजेपी में एक नई जान फूंक दी है। बहरहाल ये महज एक अनुमान है, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनसे एक तस्वीर तो उभर कर सामने आती ही है, जो बता रही है कि बीजेपी में अभी भी दम है, लेकिन कितना दम है ये 11 दिसंबर को पता चल जाएगा। खबर अपडेट की रिपोर्ट।